हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं सोनम, इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पोकन इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन बताने वाली हूं। इस वीडियो में मैं आपको इस तरीके के सेंटेंसेस बताने वाली हूं जिसको बोलने में बहुत सारे अच्छी अच्छी इंग्लिश बोलने वालों तक को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कई बार हमें किसी बात की श्योरिटी नहीं होती है तो हम अंदाजा करके सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे कहीं ना कहीं तो तुम जा रहे हो, या कहीं ना कहीं मैंने अपने पैसे रखे हैं, या किसी न किसी तरह तो मैं अपनी जॉब पा ही लूंगा, या कोई ना कोई तुम्हारी मदद कर लेगा। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जहां पर हम किसी ना किसी, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं वाले सेंटेंसेस यूज करते हैं, वो इस वीडियो में आपको सीखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट से और देखते हैं कि इस तरीके के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। ये लेसन आपके लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेसन ईजी बहुत है। यानी सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट जितने ज़्यादा है उतना ही ईजी लेसन है। यानी कि अगर आपने एक सर्टेन पैटर्न सीख लिया, यानी एक टाइप के सेंटेंसेस आपने बनाना सीख लिया, तो बाकी के सारे सीख जाएंगे। जैसे अगर आपने कभी ना कभी सीख लिया तो कहीं ना कहीं, कोई ना कोई, किसी न किसी तरह के सेंटेंसेस आप वैसे ही बना लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फटाफट से कि ये सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस यानी वो पैटर्न्स लिखे हुए हैं जो हमें सीखना है, जैसे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कोई ना कोई, किसी ना किसी तरह, या फिर कुछ ना कुछ, या किसी ना किसी। समझ में आ रहा है आपको कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है आपके लिए। तो यहाँ पर मैंने सारे लिखे हुए जो हमको सीखना है और यहाँ पर वन बाय वन हम सारे सर्टेन एक पैटर्न के सारे एग्जांपल्स, देन हम सेकंड, और ऐसे करके सारे हम लोग पूरा लेसन कंप्लीट करेंगे। राइट, तो देखिए सबसे पहला हम अभी देखने वाले हैं कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं वाले सेंटेंसेस हमें बोलने के लिए हमें ये पैटर्न यूज़ करना पड़ता है, जैसे समवेयर और अदर। समवेयर और अदर, कहीं को हम क्या बोलते हैं? समवेयर। और कहीं ना कहीं अगर हमें बोलना है तो हम बोलेंगे समवेयर और अदर। बहुत सिंपल है, कैसे यूज करना मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ये हमारा फर्स्ट समवेयर और अदर के यूजेस। तो यहाँ पर देखिए हमारा सबसे पहला एग्जांपल है, कहीं ना कहीं से मुझे उसका पता मिल जाएगा। तो हम ये सेंटेंस कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे आई विल फाइंड हर एड्रेस समवेयर और अदर। I'll find her address somewhere or other. मुझे कहीं ना कहीं से उसका पता मिल जाएगा। यहाँ पर आप somewhere और other sentence के starting में भी use करते तो भी कोई problem नहीं थी। Sentence क्या बनता? Somewhere or other I'll find her address. Okay? Next example देखिए, मुझे पता है आप कहीं ना कहीं जा रहे हैं। I know you are going somewhere or other. बाकी का सेंटेंस सेम होता है, जैसे आई नो यू आर गोइंग, मुझे पता है आप जा रहे हैं, और इसके बाद आपको क्या एडिशनल ऐड करना है? आपको बोलना है कहीं ना कहीं, मुझे पता है आप कहीं ना कहीं जा रहे हैं। तो आपको कैसे बोलना पड़ेगा? आई नो यू आर गोइंग समवेयर और अदर। बहुत सिंपल है बट वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैंने अपने पैसे कहीं ना कहीं तो रखे हैं। जैसे अगर आप अपने पैसे कहीं रखकर भूल जाएं तो आप इस तरीके का सेंटेंस यूज करते हैं कि मैंने कहीं ना कहीं तो अपने पैसे रखे हैं। तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैव कैप माई मनी समवेयर और अदर। आई हैव कैप माई मनी, मैंने अपने पैसे रखे हैं कहीं ना कहीं, समवेयर और अदर। I have kept my money somewhere or other. Very simple. Next, वो कहीं ना कहीं फ्रांस में रहते हैं। जैसे अगर आपको कोई पूछे कि आपके आपके रिलेटिव्स कहाँ रहते हैं तो आप बोलेंगे कि कहीं ना कहीं वो फ्रांस में रहते हैं। तब जब आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता हो तब आप इस तरीके का सेंटेंस यूज करते हैं। आप बोलेंगे They live somewhere or other in France. They live यानी वो रहते हैं somewhere or other कहीं ना कहीं in France, फ्रांस में, वो फ्रांस में कहीं ना कहीं रहते हैं। तो इस तरीके से समवेयर और अदर यूज होता है जिसका मतलब होता है कहीं ना कहीं। आई थिंक ये अभी तक आपको समझ में आ गया मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया, बिकॉज इसमें कुछ है ही नहीं, सिंपल ग्रामर वाले सेंटेंसेस हैं जैसे बनते ही हैं। इसके बाद आपको कहीं ना कहीं ऐड करने के लिए सिंपली समवेयर और अदर यूज कर देना है। इसके लिए आपको एडिशनली कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो ये था हमारा फर्स्ट पैटर्न या फर्स्ट अगर फ्रेज बोल दें कहीं ना कहीं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेज पर जो कि है कभी ना कभी। सो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आई विल बी बैक इन अ मोमेंट विद अवर सेकेंड फ्रेज, दैट इज कभी ना कभी। तो आई थिंक अब आपने सीख लिया कि कहीं ना कहीं कैसे यूज होता है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेज पर जो कि है कभी ना कभी। तो कभी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम कभी को बोलते हैं समटाइम। ऑलराइट, तो कभी ना कभी को हम बोलेंगे समटाइम और अदर।
सम टाइम और अदर, वेरी सिंपल यूज बिल्कुल सेम है जैसा हमने इसमें किया था, जस्ट आपको अब थोड़े से एग्जाम्पल्स देख के प्रैक्टिस कर लेनी है, फिर आपसे ये वाला फ्रेज यूज करते इंग्लिश में बन जाएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, हम सभी कभी ना कभी गलती करते हैं, हम सभी कभी ना कभी गलती करते हैं। तो हम सभी गलती करते हैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वी ऑल मेक मिस्टेक्स। हम सभी गलती करते हैं और कभी ना कभी आपको ऐड करना है तो आपको एट प्रेपोजिशन के साथ सम टाइम और अदर यूज कर देना है, जैसे वी ऑल मेक मिस्टेक्स एट सम टाइम और अदर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, कभी ना कभी तुम्हारी माँ को सच पता चल जाएगा, योर मदर विल नो द ट्रूथ सम टाइम और अदर। और यहाँ पे ये सेंटेंस योर मदर विल गेट टू नो द ट्रूथ भी हो सकता था, बट आप सिंपल इंग्लिश फिलहाल सीखिए, योर मदर विल नो द ट्रूथ At some time or other. I think आप पढ़ पाते हैं what I write, because a lot of you complain that I write very small. मैं बहुत छोटा लिखती हूँ तो आपको पढ़ने नहीं आता है। See, I have limited space. अगर मैं बड़ा लिखूंगी तो मुझे कोई problem नहीं है, मैं बड़ा लिख सकती हूँ, but problem ये है कि इसमें आपका ये loss है कि आपको examples कम जाने के लिए मिलेंगे। If I'm writing 4 examples, तो अगर मैं बड़ा लिखूंगी तो limit का obviously space का limit होने की वजह से मैं 3 examples लिख पाऊंगी, तो ऐसे में आप ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे। तो मेरी कोशिश रहती है कि अगर एक lesson बना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इसीलिए मैं इसी स्पेस में चीज़ों को एकदम एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं थोड़ा मुझे छोटा लिखना पड़ता है, बट मैं एक ही एग्जाम्पल को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करती हूँ ताकि अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो आप सुन सुन के सीख जाएं। तो ऑब्वियसली आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस, तो आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। बट एनीवे, अब हम आते हैं हमारे लेसन पर, जो कि है कभी ना कभी तुम्हारी माँ को सच का पता चल जाएगा, तो आप बोलेंगे योर मदर विल नो द ट्रुथ, आपकी माँ को पता चल जाएगा सच का कभी ना कभी, एट सम टाइम और अदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हर कोई कभी ना कभी भावुक हो जाता है, एवरीवन गेट्स इमोशनल एट सम टाइम और अदर, एवरीवन गेट्स इमोशनल, हर कोई भावुक हो जाता है एट कभी ना कभी, सम टाइम और अदर। सी, यहाँ पे मैंने हर फ्रेज में क्या लिखा हुआ है, समवेयर और अदर, सम टाइम और अदर, समवन और अदर, बट आप जैसे आप इंग्लिश पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे लोगों को आप अदर के पहले द का यूज करते हुए भी सुनेंगे, जैसे समवन और द अदर। ये मुझे नहीं पता इफ इट्स राइट और रॉन्ग, बट अ लॉट ऑफ पीपल यूज इट, फ्लुएंटली यूज इट इनफैक्ट, बट करेक्ट जो फ्रेज है वो है सम टाइम और अदर। ओके, अगर आप द का यूज कर भी लेते हैं तो बहुत गलत नहीं माना जाएगा, फ्लो में चल जाता है, बट अगर आप सीख रहे हैं तो आई थिंक आपको सही सीखना चाहिए, विच इज विदाउट द। ओके, चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, हर कोई कभी ना कभी इमोशनल हो जाता है, एवरीवन गेट्स इमोशनल एट सम टाइम और अदर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि है हर किसी ने अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है, तो एवरीवन हैज फेल्ट दैट वे, हर किसी ने ऐसा महसूस किया है एट सम टाइम और अदर, कभी ना कभी अपने जीवन में। तो यहां पे मैंने मिस कर दिया है, इन देयर लाइव्स लिखना मैंने भूल गई हूं शायद, तो क्या सेंटेंस बनेगा, एवरीवन हैज फेल्ट दैट वे एट सम टाइम और अदर इन देयर लाइव्स, हर किसी ने अपने जीवन में ऐसा कभी ना कभी महसूस किया है। तो आपने देखा कि दोनों का पैटर्न एकदम सेम है, समवेयर और अदर और सम टाइम और अदर बिल्कुल सेम है, जस्ट इसके पीछे इसके पहले हम लोग एट प्रेपोजिशन यूज करते हैं, बाकी सब कुछ सेम है, पैटर्न एकदम यूज करने का सेम है और सेंटेंसेस बनाना बहुत ईजी है। तो आप ऐसा करिए कि जितने सेंटेंसेस आप सोच सकते हैं बनाइए, इनफैक्ट अभी वीडियो को पॉज करिए और कभी ना कभी के ऊपर एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस सोचिए, फिर आप वीडियो में आगे बढ़िए और कोई ना कोई का यूज सीखिए। तो फिलहाल वीडियो को पॉज करते हैं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम सीखेंगे नेक्स्ट फ्रेज जो कि है कोई ना कोई। ऑलराइट, तो आपने दो फ्रेजेस सीख लिए हैं, अब हम आते हैं हमारे थर्ड फ्रेज पर जो कि है कोई ना कोई। तो कोई, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हम बोलते हैं समवन, समवन हैज कम टू मीट यू, कोई तुमसे मिलने आया है। तो कोई यानी समवन और कोई ना कोई यानी समवन और अदर, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला ज्यादा नहीं है, जस्ट आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रैक्टिस करनी है जो कि हम अभी कर लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, हम उसे बदलने के लिए कोई ना कोई ढूंढ लेंगे, बदलना मतलब रिप्लेस करना, तो हम उसे रिप्लेस करने के लिए कोई ना कोई ढूंढ लेंगे। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे वी विल गेट समवन और अदर टू रिप्लेस हिम, वी विल गेट समवन और अदर टू रिप्लेस हिम, हम उसे बदलने के लिए यानी उसे रिप्लेस करने के लिए कोई ना कोई ढूंढ लेंगे, वेरी सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कोई ना कोई वहां तुम्हारी मदद के लिए होगा,
कोई ना कोई वहां तुम्हारी मदद के लिए होगा। तो आप बोलोगे समवन और अदर विल बी देयर टू हेल्प यू। Someone or other will be there to help you. कोई ना कोई वहां आपकी मदद के लिए होगा। तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। Someone or other आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं, एंड में यूज कर सकते हैं, और यही रूल सभी फ्रेसेस के लिए है। सब में आप समटाइम और अदर या जो भी फ्रेसेस हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में या एंडिंग में यूज कर सकते हैं। वो जस्ट आपके फ्लो पर डिपेंड करता है कि आपको फ्लो में किस कैसा पैटर्न बैठता है और आप फ्लो में क्या ज्यादा फ्लुएंटली बोल पाते हैं। ओके तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, अपनी मदद के लिए हम कोई ना कोई ढूंढ लेंगे। वी विल फाइंड समवन और अदर टू हेल्प अस। हम अपनी मदद के लिए कोई ना कोई ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट, कल कोई ना कोई हमारे साथ जुड़ेगा। जुड़ेगा मतलब ज्वाइन करेगा। तो समवन और अदर, कोई ना कोई विल ज्वाइन अस टुमारो। कोई ना कोई हमसे कल जुड़ेगा। ओके कुछ इसमें एक्सप्लेन करने वाला ज्यादा नहीं है। जस्ट अब आप वीडियो को पॉज करिए और फटाफट से एक ही सांस में 4 से 5 सेंटेंसेस समवन और अदर को यूज करके बोल डालिए। और हो सके तो फिर से इसमें जो आपने अभी प्रीवियस सीखा, जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताया, उनको आप याद करने की कोशिश करिए और उसको बोल के देखिए। देखिए कि आपने जो सीखा वो आपके दिमाग में अभी भी है कि जस्ट ये सीख के आप वो भूल गए। एनीवे अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जब तक कि हम आते हैं वापस विथ अवर नेक्स्ट फ्रेज जो कि है किसी न किसी तरह। किसी न किसी तरह मैं आपको सिखा के रहूंगी इंग्लिश। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट एंड टेक स्क्रीनशॉट। तो अभी तक आप 3 फ्रेसेस सीख चुके हैं। अब आते हैं हमारे 4th फ्रेस पर जो कि है किसी ना किसी तरह। किसी ना किसी तरह वो इस केस में शामिल है, या किसी ना किसी तरह मुझे तुम्हारा एड्रेस मिल जाएगा। तो इस तरीके के सेंटेंसेस बोलने के लिए आप somehow और other फ्रेस का यूज करते हैं। किसी तरह को हम इंग्लिश में बोलते हैं somehow। जैसे somehow I'll get a new job, किसी तरह मुझे नई नौकरी मिल जाएगी। तो किसी ना किसी तरह को आप बोलेंगे somehow और other। अब फटाफट से इनके ऊपर एग्जाम्पल्स देख के ये वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, किसी ना किसी तरह मुझे नई नौकरी मिलनी ही चाहिए। तो नई नौकरी मिलनी ही चाहिए को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? I must find a new job। और किसी ना किसी तरह को आप बोलेंगे somehow or other, किसी ना किसी तरह I must find or get, मिलनी चाहिए, I must get a new job, दोनों सेम है। Somehow or other, I must get a new job. Very simple. Just आपको प्रैक्टिस करनी है। और जो भी मैं आपको लेसन बताती हूँ आपको उसी टाइम ऑन स्पॉट अगर आप क्लियर कर लेंगे तो सोचिए धीरे धीरे आपकी इंग्लिश तो इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे अगर आपने ये अभी कॉन्सेप्ट किया या इसके पहले अगर मैंने कोई और बताया है, जैसे दैट्स वॉट दैट्स वेन वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तो अगर आप उसी दिन वो वाले लेसन को क्लियर कर देंगे इतने सारे सेंटेंसेस बना के जितने पॉसिबल हैं, तो आप डेफिनेटली इंग्लिश सीख जाएंगे। एनीवे अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पर जो कि है अब हम किसी ना किसी तरह अपने पैसे पा लेंगे। हम किसी ना किसी तरह अपने पैसे पा लेंगे। तो इसके लिए क्या बनेगा? वी विल गेट द मनी। हम पैसे पा लेंगे somehow or other, किसी ना किसी तरह हम अपने पैसे पा लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, किसी ना किसी तरह से वो इस केस में शामिल है। Somehow or other, he is involved in that case. Somehow or other, किसी ना किसी तरह he is involved in that case. वो उस केस में शामिल है. ओके या फिर आप ऐसा भी बोल सकते थे he is involved in that case somehow or other, किसी ना किसी तरह से उस केस में शामिल है। आप ये आगे या पीछे यूज कर सकते हैं। देखते हैं हमारा आज का लास्ट एग्जाम्पल जो कि है किसी ना किसी तरह से मुझे उसका पता मिल जाएगा। I'll get her address somehow or other. मुझे उसका पता मिल जाएगा somehow or other, किसी ना किसी तरह से। Very simple, alright? अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Now we'll move forward और देखेंगे आज का लास्ट फ्रेज जो कि है कुछ ना कुछ और किसी ना किसी, very important part, okay? तो it's your time to take screenshot. तो अब हम आ चुके हैं हमारे वीडियो के लास्ट पार्ट में जहां पर हम सीखेंगे कुछ ना कुछ या किसी ना किसी का यूज। तो कुछ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कुछ को हम इंग्लिश में बोलते हैं समथिंग। तो कुछ ना कुछ को हम बोलेंगे समथिंग और अदर। ओके और यहां पे मैंने लिखा हुआ है किसी ना किसी। तो समथिंग और अदर को किसी ना किसी
कि जैसे कैसे बोलेंगे वो आपको एग्जांपल्स देख के समझ में आएगा। तो इसके ऊपर सेंटेंसेस किस तरीके के बनते हैं, जैसे अगर आपने किसी से कुछ सुना कोई बात और आप ऐसा बोलना चाहें कि वो किसी न किसी बारे में तो बात कर रहे थे, तो आप वहां पर समथिंग और अदर यूज करेंगे, या फिर कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है वहाँ, तो ऐसे सेंटेंसेस बोलने के लिए आप समथिंग और अदर बोलते हैं। फटाफट से एग्जांपल्स देके इस लेसन को ओवर करते हैं। ओके, तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास, वो हमेशा किसी न किसी बारे में शिकायत करता रहता है। वह हमेशा किसी न किसी बारे में कंप्लेन करता है, तो वो हमेशा कंप्लेन करता है को हम क्या बोलेंगे, ही ऑलवेज कंप्लेन्स, ही ऑलवेज कंप्लेन्स। और आपको क्या बोला है, किसी न किसी बारे में, तो आप बोलेंगे अबाउट समथिंग और अदर, के बारे में समथिंग और अदर, किसी न किसी बारे में। ही ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट समथिंग और अदर, वो हमेशा किसी न किसी बारे में कंप्लेन करता रहता है। यहाँ पर देखिए, अगर लिखा तो मैंने समथिंग और अदर है, बट यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ बोलती तो वो गलत साउंड होता, और कुछ ना कुछ की जगह पे अगर हम यहाँ पे समथिंग और अदर के अलावा क्या यूज कर सकते थे, समवन और समटाइम, इस तरीके का तो कुछ यूज होगा नहीं। तो किसी न किसी बारे में बोलने के लिए भी हम समथिंग और अदर ही बोलते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, जो कि है वो किसी न किसी बारे में बात कर रहे थे। वो किसी न किसी बारे में बात कर रहे थे, तो वो किसी बारे में वो बात कर रहे थे तो आप क्या बोलोगे, they were talking अबाउट किसी बारे में, they were talking अबाउट समथिंग और अदर, वो किसी न किसी बारे में बात कर रहे थे। और यहाँ पे अगर मैं अबाउट नहीं लिखती और सिंपली ऐसा सेंटेंस होता, they were talking समथिंग और अदर, यानी वो कुछ न कुछ बात कर रहे थे, तो जब आप अबाउट लगा देते हैं तो सेंटेंस जो हम बोलते हैं वो कैसा बन जाता है, किसी न किसी बारे में। तो दे वर टॉकिंग समथिंग और अदर, तो वो कुछ ना कुछ बात कर रहे थे, और दे वर टॉकिंग अबाउट समथिंग और अदर, वो किसी न किसी बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि हम कुछ ना कुछ बारे में नहीं बोलते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि किसी ना किसी और कुछ ना कुछ का क्या डिफरेंस है, दोनों का इंग्लिश फ्रेज सेम है, समथिंग और अदर। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, जो कि है वो किसी न किसी बात को लेकर विरोध कर रहे थे। तो विरोध करना को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट करना। तो वो किसी न किसी बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो आप बोलेंगे दे वर प्रोटेस्टिंग अबाउट समथिंग और अदर, दे वर प्रोटेस्टिंग अबाउट समथिंग और अदर, वो किसी न किसी बात को लेकर विरोध कर रहे थे। अगर मैं अबाउट नहीं लिखती तो वो दे वर प्रोटेस्टिंग समथिंग और अदर, वो कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस तरीके का मतलब, हालांकि ये गलत सेंटेंस है। अब आते हैं हमारे लास्ट एग्जाम्पल पर, जो कि है वो पार्टी के लिए कुछ ना कुछ योजना बना रहे थे। तो यहाँ पर मैंने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो मैं ऊपर अबाउट का यूज नहीं करूंगी। सेंटेंस कैसे बनेगा, पहले तो आप ये देखिए कि वो पार्टी के लिए योजना बना रहे थे, उसको हम क्या बोलेंगे, योजना बनाना को प्लानिंग करना, तो देवर प्लानिंग, वो योजना बना रहे थे कुछ ना कुछ, देवर प्लानिंग समथिंग और अदर, वो कुछ ना कुछ योजना बना रहे थे फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए, वो पार्टी के लिए कुछ ना कुछ योजना बना रहे थे। और यहां पर अगर मैं अबाउट यूज कर देती तो सेंटेंस कैसे बनता, देवर प्लानिंग अबाउट समथिंग और अदर फॉर द पार्टी, यानी वो पार्टी को लेकर किसी न किसी बात की योजना बना रहे थे, किसी न किसी बात को लेकर या किसी न किसी बात के बारे में। तो अबाउट का यूज करके हम किसी न किसी बोलते हैं, और अगर आप अबाउट नहीं यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ, हालांकि एक कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट ये बोलचाल का तरीका है। आई ऑलवेज से कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, अलग अलग हो सकती है बोलचाल के हिसाब से। ओके, तो आई थिंक आपका ये डाउट क्लियर है। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल ईजी है, इसमें आपको कुछ भी ग्रामर नहीं सीखना, जितना आपसे बनता है उसी में आप जस्ट ये वाले फ्रेसेस यूज करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज का लेसन यहीं तक था, मुझे उम्मीद है कि ये लेसन आपके लिए क्लियर हो गया। कहीं ना कहीं समवेयर और अदर, कभी ना कभी सम टाइम और अदर, कोई ना कोई समवन और अदर, किसी ना किसी तरह सम हाउ और अदर, कुछ ना कुछ या किसी ना किसी समथिंग और अदर, सबको सेम यूज होना है, किसी में कुछ डिफरेंस नहीं है। जस्ट जब आप सम टाइम वाला यूज करते हैं तो उसके आगे आप एट प्रेपोजिशन यूज कर देंगे। ओके, बाकी अब आप जितने सेंटेंसेस सोच सकते हैं सोचिए, बनाइए, इस वाले सारे एग्जांपल्स को आप अलग अलग फ्रेज यूज करके बनाइए, यानी जो समवेयर वाला फ्रेज था वहां पे आप समटाइम यूज करके थोड़ा सेंटेंस में मॉडिफिकेशन करके सेंटेंस बनाइए। बहुत इजी है, इंग्लिश इज नॉट अ रॉकेट साइंस, आप सीख सकते हैं जस्ट थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी प्रैक्टिस से, जस्ट आपको पैशनेट होना पड़ेगा। तो आज का लेसन सिर्फ यहीं तक था, मुझे उम्मीद है ये लेसन आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ ना कुछ, इनफैक्ट बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो कौन सा फ्रेज आपको ज्यादा अच्छा लगा, कौन सा सेंटेंस आपको ज्यादा अच्छा लगा, इस लेसन से आपने क्या सीखा, हो सके तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। कोशिश करके जो मैंने एग्जांपल्स बताए हैं उनके अलावा
कोई एग्जाम्पल बनाइएगा, ऐसे में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको भी पता चलेगा कि आपने क्या सीखा. ओके, सो इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ, बट वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी को ऐसे लेसन की जरूरत हो, बिकॉज शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग. अगर आप वीडियो शेयर करते हैं तो ज्यादा लोगों की मदद होती है. और अगर आप ऐसे लेसन सीखते रहना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश सीखने को लेकर सीरियस हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा. उसके लिए सिंपली आपको सब्सक्राइब बटन को दबाना है और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको टच करना है. सिंपल, बहुत सिंपल प्रोसेस है. ऐसे में आपके मोबाइल में कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा जब भी मैं इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी. तो सोचिए, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीखने के लिए मिल रही है तो दिक्कत क्या है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को. ओके, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं. मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.